घोषित अघोषित इमरजेंसी के दौर में पान की दुकान से लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज और फिर टीवी न्यूज चैनलों के स्टूडियो में जब राष्ट्रवाद को, देश प्रेम को, देशद्रोह को फिर से एक नए औजार की तरह नेशनलिस्ट वर्सेस माओइस्ट की सरकारी भाषा में उछाला जा रहा है, ठीक उसी के बरक्स जब आज की किरण अदालत की चौखट से छन छन कर आ रही है, न्यूज क्लिक के कार्यक्रम मीडिया पर खरी खरी में आपका स्वागत है। We are against the death penalty. They pick हिंसा भड़काने के लिए आपको वाह मोदी जी वाह वाह वाह। आज का हमारा पूरा एपिसोड देश भर में हुई गिरफ्तारियों, छापों और उस पर हुई रिपोर्टिंग पर केंद्रित है। जैसा कि आप सब जानते हैं, महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने 28 अगस्त को अल सुबह से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों, लेखकों, एक्टिविस्टों के घर पर छापा मारा। दिल्ली, फरीदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, गोवा, सब जगह। और इनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया और ध्यान दीजिए, मराठी में FIR दिखाकर। इनमें सुधा भारद्वाज, गौतम नौलखा, अरुण फरेरा, वर्नॉन गोंजाल्विस और वरवरा राव थे। इन सब की गिरफ्तारी के बारे में यही बताया गया कि सब के सब महाराष्ट्र में पिछले साल दलितों के अहम आंदोलन भीमा कोरेगांव में जो यलगार परिषद ने आयोजित किया था, वहां पर उसमें जो हिंसा भड़की उसमें इनका रोल था। और तो और, प्रधानमंत्री की हत्या की जो साजिश रची गई उससे भी इनके तार जुड़े हुए हैं। और जब हम आप बात कर रहे हैं तब कम से कम राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सब की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और इन्हें अपने घरों में नजरबंद किया है। मीडिया इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुन के मानो बौरा गया, एक सुर में राष्ट्रवाद का एजेंडा फैलने लग गया। मेजर क्रैकडाउन ऑन माओइस्ट लिंक, नक्सलियों पे बड़ा हमला, पूरे तार जो जुड़े हैं उन्हें नस्तनाबूद किया जाना चाहिए, इस तरह की तमाम बातें रिपब्लिक टीवी से लेकर जी न्यूज, इंडिया टीवी और बाकी सब, तकरीबन सब जगह एक ही ढंग का आरोप था, एक ही ढंग की बातें थी। सारे के सारे टीवी चैनल्स ये बताने पे तुल गए थे कि ये सारे लोग जो पकड़े गए हैं ये खूंखार अर्बन नक्सल्स हैं। ध्यान दीजिए, अर्बन नक्सल्स हैं, क्योंकि ये लोग सब पढ़े लिखे हैं, इनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं और इनका रसूख है समाज में। इसलिए मीडिया में एक तरह से सुबह से लेकर दोपहर तक एक ही बैंड बजता रहा, एक ही तरह की सुर हमें दिखाई देती है कि अब वो लोग चैन से सो सकेंगे जिन पर ये लोग हमला करने वाले थे। हम पहले भी बता चुके हैं कि किस तरह से रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ ने सुधा भारद्वाज पर 1.5-2 महीने पहले इसी तरह का एक पूरा अभियान चलाया था, जिसमें एक फर्जी, जी हाँ फर्जी, क्योंकि अभी तक उसका कोई प्रमाण नहीं मिला है और पुलिस ने भी उस लेटर को अभी तक कोर्ट में नहीं पेश किया है, यह बताया था कि ये महिला किस तरह से अर्बन माओवादी है और किस तरह से देश भर में एक आतंक फैलाना चाहती है। जबकि सुधा भारद्वाज ने उस समय इसका खंडन किया था और हमने इस पे कार्यक्रम भी किया था। यहां बताना इसलिए जरूरी है कि मीडिया की जो भूमिका रही है, जो लगातार लोगों को फ्रेम करता है, लगातार लोगों को बताता है कि उसको उन्हीं तरह से दिखना है, यह रोल वह 2 महीने पहले भी कर रहा था। और जब यह खबर आई तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने लगाया, नेशनलिस्ट वर्सेस माओइस्ट। ये जो सारा का सारा प्रचार है इन टीवी चैनलों पर, हमारा जोर यहाँ टीवी चैनलों पर इसलिए है क्योंकि यह दूर दराज तक पहुंच रहे हैं और लोगों के बीच एक अवधारणा बना रहे हैं लोगों के बारे में कि दलित जो उभार है इसका किस तरह से कश्मीरी आतंकवाद के साथ लिंक है। और पूरे के पूरे देश भर में, ध्यान दीजिए, कश्मीर, हैदराबाद, गोवा से लेकर दिल्ली, फरीदाबाद और तो और छत्तीसगढ़, इन तमाम जगहों पे इनके जो तार फैले हुए हैं, ये उनके शब्द हैं, तार जो फैले हुए हैं उन डॉट्स को जोड़ने का काम पुलिस से ज्यादा तेज यह मीडिया कर रहा था और यह बता रहा था कि ये लोग कौन हैं, इनके कामकाज कैसे हैं। जैसे गौतम नौलखा के बारे में पहले भी इन्होंने दुष्प्रचार किया था और जैसे ही उनका नाम आया और वो घर में थे यह दुष्प्रचार और तेज हो गया। लेकिन ठहरिए, सब कुछ उन्हीं के हिसाब से नहीं हुआ और यही एक आस की किरण हमें दिखाई दी कि जिस तरह से सरकारों ने सोचा था, पुणे पुलिस ने सोचा था, वैसे ही मामला नहीं रहा। नरेटिव बदलने लगा, किस्सा कहानी बदलने लगी और हुआ यूं कि जो वकील हैं, जो ऐसे वकील हैं जो सत्ता से सीधे सीधे लड़ते हैं,
वे पहुंचे सुधा भारद्वाज के पास, वे पहुंचे गौतम नौलखा के पास और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने खटखटाया दरवाजा और उन्होंने कहा कि ये ट्रांजिट रिमांड ठीक नहीं है, ये जो पूरा का पूरा मामला है ये मराठी में लिखा गया है जो कि ना गौतम नौलखा को आता है और ना ही सुधा भारद्वाज इस भाषा से वाकिफ हैं। वहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सबसे पहले यह कहा कि इस रिमांड पर रोक लगाई जाएगी और उन्हें घर भेज दिया कि आप घर में नजरबंद रहेंगे। और इसके बाद वृंदा ग्रोवर जो सीनियर वकील हैं, एडवोकेट हैं दिल्ली में, उन्होंने दरवाजा खटखटाया अपनी टीम के साथ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का और फिर देर रात यह फैसला हुआ कि उनको भी अभी बाहर नहीं ले जाया जा सकता है और उनको उसी तरह से घर में नजरबंद रखा जाए जैसे गौतम नौलखा को। ये जब सारी चीजें चल रही थी तब जो हमारा मीडिया है वह क्या रोल अदा कर रहा था, हमारा सवाल यहां पर यह है। आप ध्यान दीजिए कि जो सोशल मीडिया है वह पल पल की खबर दे रहा था, बहुत से जो वेबसाइट्स हैं वह पल पल की खबर दे रही थी कि कैसे हो रहा है, सुधा भारद्वाज को 1-1.5 घंटे तक लोकेट नहीं किया जा पाया, उस पर भी जो प्रेशर बना वो सोशल मीडिया के थ्रू प्रेशर बना। लेकिन जो मुख्य धारा का जो नरेशन था, जो नक्सलियों पर हमला था, वो बेलगाम चलता रहा, पूरी बेशर्मी के साथ चलता रहा, वह भी तब जब दिल्ली का जो हाई कोर्ट है वह सीधे सीधे ये इंडिकेशन दे रहा था, वह ये निर्देश दे रहा था कि सारा का सारा मामला कुछ गड़बड़ है और इसमें इस तरह से गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। वहां पे जो दखल हुआ इन दो अहम गिरफ्तारियों के खिलाफ, उसने एक आस जताई, उसने एक ही विश्वास जताया और अगले दिन जो अखबारों में छपा उसमें 1-2 लाइन या छोटे मोटे बॉक्स, खासतौर से हिंदी मीडिया में, मैं यहाँ बात कर रही हूँ हिंदी मीडिया में, क्योंकि यह जो पूरा काओ बेल्ट है, यह जो पूरा हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज़्यादा हिंसा की घटनाएं होती हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा लिंचिंग होती है और ये जो पूरी अवधारणा है कि ये लोग देशद्रोही हैं, ये लोग प्रधानमंत्री पर हमला करने की साजिश कर रहे थे। आप ध्यान से देखिए, हेडिंग आप देख सकते हैं कि किस तरह की हेडिंग अखबारों ने छापी अगले दिन, गिरफ्तारी के अगले दिन जब अखबार छपा तो वो तमाम हेडिंग इसी तरह से थी जैसे ये खूंखार अपराधी हैं जो कि चोला पहने हुए हैं अपने अपने प्रोफेशन का, लेकिन काम देश के खिलाफ कर रहे हैं। तो ये एक अवधारणा देश का जो मीडिया है वह बना रहा था, अंग्रेजी के मीडिया में कथित लगा हुआ था, हिंदी के मीडिया में प्रमुखता से कथित या यह आरोप लगा है, ऐसी कोई बातें नहीं थी। सीधे सीधे बात थी कि प्रधानमंत्री पर हमला करने की साजिश में ये लोग जो है 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये जो पूरा का पूरा नरेशन है इस पर रोक लगती है कब? इस पर रोक लगती है जब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरवीन करता है, वो दखल करता है। ये मामला है दूसरे दिन का और यहां पर हम दिन वार इसलिए घटनाएं आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि आपको यह पता चलेगा कि मीडिया पूरा एक होमोजेनियस नहीं है, हमारा पूरा मीडिया एक ही रंग में रंगा हुआ नहीं है। हम ये नहीं कह सकते और हमें नहीं कहना चाहिए भी कि सारा का सारा मीडिया गोदी मीडिया है या सारा का सारा मीडिया बिका हुआ मीडिया है। निश्चित तौर पे मीडिया में एक बड़ा खेमा ऐसा है जो बिका हुआ है, एक बड़ा खेमा ऐसा है जो सिर्फ बिका ही हुआ नहीं है, उसी विचारधारा के साथ खड़ा हुआ है जो सरकार की विचारधारा है या जो दक्षिणपंथी विचारधारा है जो ये टैगलाइन चलाती है कि नेशनलिस्ट वर्सेस माओइस्ट, जो कि घोषित तौर पे अपने प्रोग्राम्स में ही दिखाते हैं। आप देखिए प्रोग्राम्स, आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुलेआम वहां पे अर्णब गोस्वामी हो, जी न्यूज के एंकर हो, वो खुलेआम ये अपील करते हैं कि इन लोगों का खात्मा हो जाना चाहिए, मानो कि वही राजा हैं और राजा ऐलान करेगा और हाथी जाएगा और इन लोगों को दबा देगा। इस तरह का टोन जो मीडिया में है वो एक तरफ बहुत साफ है, लेकिन वहीं एक ग्रे एरिया भी है मीडिया में जो कि हमें दिखाई दिया सुप्रीम कोर्ट के जो राहत मिली उसके बाद, जब सुप्रीम कोर्ट में रोमिला थापर जैसी एक वरिष्ठ, जिनको आप कहिए कि सबसे बड़ा चेहरा भारत में आज की तारीख में है सिविल सोसाइटी की तरफ से, इतिहासकार हैं जिनकी किताबें पढ़ते हुए हम सब बड़े हुए हैं, जब उन्हें दखल करना पड़ा, जब वह पहुंची सुप्रीम कोर्ट 2-3 और लोगों के साथ और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि डिसेंट यानी विरोध देशद्रोही काम नहीं है, यह राष्ट्र विरोधी काम नहीं है, यह लोकतंत्र के लिए बुनियादी एलिमेंट है, बुनियादी चीज है, अगर डिसेंट को हम जगह नहीं देंगे
विरोध को जगह नहीं देंगे, दूसरे विचारों को हम जगह नहीं देंगे, तो यह प्रेशर कुकर फट जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट को इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा, तब जो ये ग्रे एरिया है मीडिया का, इसका टोन बदलता है। और आपको दिखाई देगा कि तमाम अखबार जो हिंदी के अखबार हैं, वो अलग अलग ढंग की हेडिंग के साथ कम से कम ये कहते हैं कि अब नजरबंद किया गया। वहां थोड़ा टोन आपको तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। और यह टोन जो है, ये बहुत अहम है समझना कि जो हमारा हिंदी मीडिया है, वह आखिर क्यों, जब एक पावर सेंटर कुछ बोलता है, वह पावर सेंटर पुलिस हो सकती है, वह पावर सेंटर सीबीआई हो सकता है, वह पावर सेंटर पीएमओ हो सकता है, तो एज इट इज वर्बटम, मतलब शब्दशः वही भाषा हम क्यों छापते हैं। अभी तक हमें बताया जाता था कि जो लोग क्राइम कवर करते हैं, अपराध कवर करते हैं, उनके पास कोई मौका ही नहीं होता है, उन्हें जो पुलिस बताती है हमें वैसे ही छापना पड़ता है। लेकिन बाकी मीडिया में तो ऐसा नहीं है। इस वाकये में भी आप देखिए, जो पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ, यहां हमें अंग्रेजी के मीडिया में जो मुख्य धारा के अखबार हैं, वहां पे दिखाई देता है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उनके परिवार के ऊपर क्या बीती, इसका एक विवरण दिखाई देता है। तेलुगु अखबारों में दिखाई देता है कि वरवरा राव के परिवार के साथ क्या हुआ, उनकी बेटी कैसे कहती, उनकी दामाद कैसे कैसे, इनके सारे नरेशंस आपको किताब अखबारों में दिखाई देते हैं, वहां के चैनलों में भी दिखाई देते हैं। लेकिन आखिर हिंदी में क्यों नहीं इतना गंभीर कम से कम कोशिश हमें दिखाई देती है? क्या वजह है कि हिंदी में हम मजबूर होके जो पावर सेंटर कह रहा है, वह पावर सेंटर जब सुप्रीम कोर्ट हो जाता है, तब हमारे अखबारों की हेडिंग बदलती है। संपादकीय तो अभी तक खैर फिलहाल नहीं आए हैं, लेकिन आप देखिए कि कम से कम यह रिपोर्टिंग होने लग गई कि ये लोग हैं कौन। ये अलग बात है कि जो वेबसाइट्स हैं, ट्विटर हैंडल है, मैं यहां ये जरूर कहना चाहूंगी कि इनका जो काम रहा, और जिस मध्यम वर्ग को डराने धमकाने के लिए ये अर्बन नक्सल का शब्द इस्तेमाल किया गया, उसने तो इसकी बैंड बजा दी। उसने कहा #MeToAurbanNaxal। देखिए आप ध्यान से, वहां पे एक पूरी की पूरी भीड़, पूरे के पूरे छात्र, वकील, जो पूरे पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, किसान हैं, सारे के सारे लोग #MeToAurbanNaxal, और यह ट्रेंड करने लग गया। हैरानी की बात देखिए कि यह ट्रेंड कर रहा था, और लोग लगातार सरकार से पूछ रहे थे कि कितने लोगों की आप लिस्ट बनाएंगे। हालांकि पहले दिन से ही यह खबर चल रही थी कि बहुत एक और लिस्ट है गिरफ्तारी की, और ये खबर सच्ची भी हो सकती है, हमें पता नहीं कि एक दूसरी लिस्ट भी सरकार ने बना रखी हो। लेकिन यहां पे जो प्रतिरोध हुआ, जो बड़े पैमाने पे लोग उतरे, सोशल मीडिया पे उतरे, वेबसाइट्स पे खबर आई और डिटेल खबर आई, उसने कम से कम फिलहाल जो सरकार है उसे बैकफुट में डाला, उसे सोचने पे मजबूर किया कि हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया। और खास तौर से जब रामचंद्र गुहा ने कहा कि अगर गांधी आज जिंदा होते तो वो सुधा भारद्वाज के पक्ष में वकालत करने के लिए उतरते, वो जो एक अर्बन इंटेलिजेंसिया है जिसे डराने के लिए सारा कोशिश थी अर्बन नक्सल का नाम लेकर, वो डरा नहीं। और उसके असर हमें मीडिया में भी दिखाई दिया। मीडिया में ऐसे तमाम लेख आए, लोगों ने खुलकर लिखा, खुलकर वीडियो शेयर किए, खुलकर यह भी बात की। सुधा भारद्वाज का जितना वीडियो, जो पहले वीडियो लिया गया था जब वो दिल्ली आई थी, वो खूब चला सोशल वेबसाइट्स पर, छोटी वेबसाइट्स पर, न्यूज़ वेबसाइट्स पर। और इसकी वजह यह थी कि ये जो अवधारणा बनाने का खेल है, यह अब मुझे लगता है बहुत ही अहम मुकाम पर है। मीडिया में जो बटा हुआ मीडिया है, आज की तारीख में जो हमारा मीडिया है, वो डिवाइडेड मीडिया है। ऐसा नहीं है कि सारा मीडिया एक तरफ हो गया या सारा मीडिया इस तरफ हो गया। मीडिया का कुछ हिस्सा है जो बीच में है। वो जो मीडिया है, उसे हमें, मुझे लगता है कि जोर देने की जरूरत है कि इस तरह की जब चीजें होती हैं, ये सारी बातें जब हम करते हैं, तो उस मीडिया पर हम कैसे फोकस करें। वो मीडिया जो ना पूरी तरह से उधर है ना पूरी तरह से इधर है, लेकिन वह सुनना चाहता है और थोड़ी बहुत जगह देना चाहता है। हैरानी की बात है कि इस बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जब ये सारी चीजें चल रही थी, उस समय देश में दूसरी तरफ क्या हो रहा था या क्या जरूरी खबरें थी जिनसे हमारा ध्यान हटाया गया या हट गया। ऐसी ही एक बहुत अहम खबर है सनातन संस्था पर जो कार्रवाई चल रही है वो। और आप अगर कंपेयर करिए, और जो मुझे लगता है मीडिया को करना चाहिए,
कि एक तरफ आप अर्बन नक्सल के नाम पे जिन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और जो प्रमाण दिखा रहे हैं और जिसमें एक मीडिया लगा हुआ है प्रमाण के तौर पे, रोज एक पर्चा आता है, एक लेटर आता है जो किसी के लैपटॉप से सीज किया हुआ है, वहां पर तो हम ये सवाल नहीं उठाते कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं जो कि अर्बन नक्सल हैं वो इतनी बड़ी बेवकूफी करते हैं कि सब कुछ अपने लैपटॉप पे लिखते हैं, सब कुछ मेल भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सनातन संस्था पे अभी जांच हो रही है, जो छोटी छोटी खबरें आ रही हैं, अगर आप उनको ध्यान दीजिए तो पता चलेगा कि ये लोग जो दाभोलकर से लेकर गौरी लंकेश की हत्या करते हैं, जिनके पास बंदूकें हैं, वो लोग कोड वर्ड्स में बात करते हैं, वो लोग सीधे सीधे बात नहीं करते हैं, वो लोग फोन भी करते हैं तो भाई या भाईजान करके बात करते हैं, और सारा का सारा उनका जो डिस्कशन है, जो पूरा षड्यंत्र वो रचते हैं, वो सब कुछ कोड वर्ड में चलता है। तो ये जो एक आयरनी है, जो इतना बड़ा एक विडंबना है, उस पर कैसे मीडिया का ध्यान नहीं जाता? कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछता है कि आज की तारीख में कोई कैसे मेल पर सब कुछ लिख देगा और उसी आधार पर आप सुधा भारद्वाज को, गौतम नौलखा को और बाकी जो तमाम लोग हैं उनको इस आधार पर गिरफ्तार कर लेंगे कि ये सारे के सारे लोग प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहते थे या उस साजिश में शामिल थे? मुझे लगता है कि ये जो सारे अहम सवाल हैं, नोटबंदी का तो खुलासा हो ही रहा है, नोटबंदी से पता ही चल रहा है कि जो सो कॉल्ड, यहां नोटबंदी की बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बारे में दावा किया गया था कि जैसे ही नोटबंदी होगी काला धन तो पकड़ ही आएगा, ये जो सारे माओवेस्ट या अर्बन नक्सल्स या जो रूरल नक्सल्स हैं इनका सारा नेटवर्क धराशाही हो जाएगा। और जब आज खबर ये आ रही है कि नोटबंदी पूरी तरह से फ्लॉप है, तब आखिर मीडिया के तौर पर हम ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं कि नोटबंदी क्यों की गई थी, सनातन का लिंक क्या है, और ये जो अर्बन नक्सल के नाम पे लोगों की गिरफ्तारी है और जो सबूत पेश किए जा रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है आखिर? क्योंकि बतौर मीडिया हमारा काम है जो दिखाई दे रहा है सिर्फ वही नहीं बताना, जो नहीं दिखाई दे रहा है वह बताना। मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा है और मुझे लगता है कि आज की तारीख में सबसे जरूरी काम हमें यह करना है कि जो सच छुपाया जा रहा है वह हम सामने लाएं। और भीमा कोरेगांव के नाम पर जो पूरा एक वितंडा पैदा किया गया है देश में, एक पूरा बताया जा रहा है कि सब तरफ इसके हाथ पैर फैले हुए हैं, अगर जनाब इतने फैले हुए हैं तो सबसे पहले गृह मंत्री को बताना चाहिए कि अभी तक क्या हो रहा था। और जो हम दावा कर रहे हैं कि हिंसा कम हुई है, नक्सली हिंसा कम हुई है, वह सच है या यह सच है? ये जो सारे सवाल हैं, जो परेशान करने वाले सवाल हैं, यह बतौर मीडिया कर्मी मुझे लगता है हमें पूछना चाहिए। और ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं और गिरफ्तारियों पे जो रोक लगी है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी राहत का सवाल है और मीडिया के लिए भी एक ट्रेनिंग का सवाल है कि आइंदा, क्योंकि ऐसा मुझे लगता नहीं है कि आइंदा इन पे गिरफ्तारियां नहीं होंगी या सरकार पीछे हट जाएगी, लेकिन यह उम्मीद बनती है कि इससे सबक सीखते हुए ऐसा जब भी हो मीडिया जरूरी सवाल उठाए, किसी को आतंकवादी, किसी को अर्बन नक्सल, किसी को अपराधी घोषित करने से पहले यह जरूर देखे कि हम जज नहीं हैं, हमारा काम रिपोर्ट करना है और सच को रिपोर्ट करना है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक उम्मीद है कि देश दुनिया की हालात पर मीडिया की जो पैनी पकड़ है वह बनी रहेगी। शुक्रिया। We are against the death penalty. They pick हिंसा भड़काने के लिए आपको वाह मोदी।